हेलो ऑल, सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज डॉक्टर जिग्ना देसाई, स्पिरिचुअल लाइफ कोच वंस अगेन। सो वेल, मैं आज बहुत ही सिंपल वे में धनतेरस का रिचुअल लेके आई हूँ। धनतेरस क्या होता है, कैसे मनाना है, मैंने पहले काफ़ी वीडियोस अपने बनाए हैं, बट ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लेके आई हूँ। पहले जो मेरे वीडियोस से काफ़ी मैंने डिटेल में बनाए थे, तो अभी बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में लेके आई हूँ। धनतेरस की पूजा विधि कैसे करें, आप यम दीपक कैसे जलाना, उस बारे में कुछ जानकारी आप सभी को मैं देना चाहूँगी। एंड सबसे पहले, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स डालिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें और यू नो वीडियोज़ बनाने चाहिए। सो वेल, जैसे कि मैं आज धनतेरस के दिन ये वीडियो बना रही हूँ, वरना अगर इसके अलावा आप नेक्स्ट ईयर भी ये देखते, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी धनतेरस होता है तभी के दिन, जैसे माना गया कि धन की हम पूजा करते, लेकिन साथ साथ इसका मतलब और है कि धनवंतरी देव जो है वो क्या है, जब ये मंथन हुआ था, जब अमृत निकाला था समुद्र में से, समुद्र मंथन हुआ था, काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता होगा, तो उसमें से मंथन के द्वारा काफ़ी चीज़ें वहाँ से वस्तुएँ निकली थी, उसी में से लक्ष्मी जी का भी आभार प्रकट हुए, तो उसी के थ्रू धन्वंतरी देव है वो कलश को लेके बाहर निकले थे। तो धन्वंतरी एक देव है जो एक कलश को लेके बाहर निकले थे, जो माना गया है कि हमारे जो ये जो बीमारियाँ वगैरह आयुर्वेदिक है उसके देवता माने गए हैं। तो बीमारी वगैरह से दूर होने के लिए हम धन्वंतरी देव की भी पूजा करते हैं। तो वो मंथन के थ्रू द्वारा धन्वंतरी देव का प्रगट्य हुआ है, जन्म हुआ है, हम जो भी कह सकते हैं, और उसी मंथन के द्वारा बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी चीज़ें तभी निकली थी। कछुआ था, माँ लक्ष्मी जी थे, बहुत सारे। तो इसके लिए कहा गया, धनतेरस के दिन जाके लोग को गोल है, सिल्वर है, परचेज करना चाहिए, शुभ माना गया, क्योंकि पूरे साल में एक ही बार आता है। एंड जो लोग नहीं परचेज कर सके, वो लोग अपने यथाशक्ति के हिसाब से बर्तन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। देखो, यूजुअली नॉर्मली धनतेरस के दिन जो पूजा का समय जो बेस्ट रहता है, यूजुअली 6 से 8 तक का समय रहता है, लेकिन पीक टाइम जो हम कहते हैं वो लगभग 7 से लेके 8 o'clock तक का रहता है, ठीक है, 7 से लेके 8 o'clock तक का रहता है। सो ये टाइम के बीच में आपकी पूजा हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पूरे दिन में अगर आप मुहूर्त वगैरह चेक करके अगर आपको जाके परचेस करके आना, तो आप जाके ले सकते हो, सिल्वर है, गोल्ड कॉइन है, अपने हिसाब से आप अपने इसके हिसाब से आप जाके ले सकते हो। फिर आपको शाम को ये पूजा करनी होगी। तो जब शाम को, आज के दिन आप जब भी मॉर्निंग में या आफ्टरनून में जा रहे हो, तो एक तो आपको क्या क्या चीज़ें लेना, ये दिन पे आप झाड़ू, जो कचरा निकालने का झाड़ू रहता है, ठीक है, फूलों वाला झाड़ू, उसे भी आप प्लास्टिक का नहीं लेना, फूलों वाला झाड़ू भी आज के दिन आप जाके खरीद सकते हो, ठीक है, ये एक अच्छा दिन माना गया। एंड दूसरा आपको क्या करना, जब शाम को आप देखो नॉर्मली जैसे करना है, आपने पाट बिछा दिया, 6 से 9 के 8 के बीच का जो टाइम है, पाट लगा दिया, उसके ऊपर प्योर यूज़ ना किया हुआ कपड़ा, येलो कलर का कपड़ा रखना, उसमें आप धन्वंतरी देव जो है उनका फ़ोटो गूगल से निकाल के आप उनका प्रिंटआउट लेके भी आप रख सकते हो। अगर नहीं रखा है, प्रिंट नहीं मिला आपको, तो सुपारी रख दो, उसी की पूजा कर दो। आज के दिन कुबेर की भी पूजा होती है, कुबेर देव के नाम का भी एक दिया जलता है, और धन्वंतरी देव जो है धन के नाम का भी एक दीपक जलता है, और मेन जो लोग बोलते हैं यम का दीपक, वो भी आज के दिन जलाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी। तो शाम को विधि कैसे करनी, नॉर्मली जैसे आप कर रहे हो, एक सुपारी रख दी, उसको आपने धन्वंतरी देव बना दिए, कुबेर की सुपारी रख दी, कुबेर की नाम की सुपारी रख दी, ठीक है, 2 सुपारी आपको रखनी। बाकी गणेश जी, लक्ष्मी जी तो आपके मंदिर में होते ही नहीं है, तो उनके नाम की भी आप सुपारी रख सकते हो, और उस पर आप कुमकुम हल्दी जो भी आपको लगाना हो पूजा कर सकते हो, धन्वंतरी के देव के नाम की आप पूजा कर सकते हो। आज के दिन गणेश जी का सबसे पहले आह्वान करना, लक्ष्मी जी का आह्वान करना, सरस्वती जी का करना है, एंड धन्वंतरी देव की भी आपको पूजा करनी है। उनका जो मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे नमः, और भी डिटेल में तो मैं लिरिक्स डाल दूंगी, वो भी आप 108 टाइम्स आप चैंटिंग कर सकते हो, जिससे आप अपने फैमिली के लिए, कि सबकी एक यू नो हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए आप उनसे आज प्रार्थना कर सकते हो। उनके नाम का दीपक घर में, घी का दीपक आपको जो पाठ बिठा है वहाँ पे आप कर सकते हो। फिर धन्वंतरी देव जो, उनका दीपक आपको जलाना है, कुबेर जी का दीपक आपको जलाना है, ओम कुबेराय नमः, उनके भी काफ़ी मंत्रस है, ठीक है, तो वो भी आप चांट कर सकते हो, 108 रिसाइट कर सकते हो। एंड फिर जब लास्ट में ये सारी पूजा विधि आपकी होगी, उसके साथ आपके पास जो भी घर में धन पड़ा है,
इतने साल का आपने जो भी जमा करके रखा एक प्लेट में ला के आप उसको धन को पूरा ऐसे बिछा दो, धन सिल्वर कुछ कुछ कॉइन्स है आपके हस्बैंड के, आपके वॉलेट्स के जो कुछ कुछ पैसे है, रुपीज है, नोट्स है, उसको भी वहाँ पे रख दो, बच्चों के जो नोट्स है वो भी रख दो, और सब एक और आज के दिन जो नया खरीदी के वो भी आपको वहाँ रखना, और कुमकुम हल्दी चावल से आपको उसकी पूजन करना है शाम के टाइम पे, ठीक है। फिर ये आपको एक दिन तक रात तक रखना, ऐसे ही थाल में रखना है। फिर आपको नेक्स्ट डे अपना जो धन है वो अपने तिजोरी में रख सकते हैं, और जो पैसे वगैरह रखे वो सब हर एक घर के जो सदस्य हैं उनके वॉलेट में ज़रूर आपको देना है, रखने के लिए, वो सुगंध के लिए रखना, उसको खर्चा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो आपको बता दिए धन्वंतरी देव का कैसे करना, उनका भी पूजन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे घरों में सभी की आयुष्य और हेल्थ उनका अच्छा रहे, उनके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, और कुबेर जी को कि हमेशा अपना जो खजाना है वो कुबेर के भंडार की तरह हमेशा से भरा हुआ रहे। और इसके बाद लास्ट में हम जो करते हैं वो यम दीपक की पूजन करते हैं। अभी यम तो हर किसी को पता है, यम जो सबकी जान हर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि नेक्स्ट डे को नरक चतुर्थी भी बोलते हैं, छोटी दिवाली भी बोलेंगे, तो कुछ लोग 5 दिन तक ये दिया जलाते और कुछ दिन ये दिन को भी दीपक जलाते हैं। तो देखो, या तो आप 6 से 8 के बीच में दिया जला सकते हो, दो तरीके। अगर एक दिया आप जला रहे हो तो उसकी जो बाती रहती है, जो हम जहाँ पे हम जलाते हैं, वो जो उसका ये ध्यान रखना कि साउथ में ही इसका जो है हम कहते हैं जहाँ पे यम का दीपक जल, साउथ जोन में होना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर का जो एंट्रेंस जोन है वो साउथ नहीं है, तो अगर आपने लगाया भी है तो उसका जो एक बाती निकल के आता ना, उसका जो पूछ रहता बाती, वो साउथ फेसिंग होना चाहिए। वो आपको याद रखना, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा, ईस्ट कहाँ पे, वेस्ट कहाँ पे, ऐसे रखना है, ऐसे रखना बाती, ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना, वो ढूंढ लेना। लेकिन एक चीज़ मानी गई है कि जब भी आप यम का दीपक का पूजन करते हो 6 से 8, तभी आप यम का दीपक जलाते, तभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो देखो 6 से 8 के बीच में के टाइम पे तो बच्चे लोग घूमते फिरते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर आपको तभी नहीं जलाना 6 से 8 के बीच में, तो रात में जब सो जाते 11-12 बजे, तभी आप सबसे पहले क्या करना, एक प्लेट ले लो या एक छोटा सा पाट ले लो, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रखो, राइस रखना है आपको थोड़ा सा, एक मुट्ठी जितना चावल रख दो, उसके ऊपर इतना बड़ा दिया जला, ठीक है। या तो सिंगल बाती वाला होगा जो साउथ फेसिंग रहेगा, और या तो आटे का हम लोग बनाते हैं, आटे का बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं पितरों के लिए भी हम आटा देते हैं, वैसे आटे का दिया 4 मुखी जो रहता है ना, 4 कॉर्नर्स वाला, वो दिया जला सकते, तो 4 बत्ती लगाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना घी नहीं डालना, तिल वगैरह का तेल आप डाल सकते, मस्टर्ड का ऑयल डाल सकते, तो ऑयल डालना है। तो वो दीपक वहाँ पे लगा दिया, रख दिया, हल्की सी शक्कर डाल दो, कहते हैं उनको मीठा भी धराना चाहिए, और कुछ लोग उसमें कॉइन, हम कॉइन भी 1 रुपये का डाल सकते, एक जो कोड़ी रहती है वो भी डाल सकते, जो आपके पास है वो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और घर में जब रख के उसकी पूजा करो यम जी की, तो वो दिया जलाइए, फिर उसमें ये सब जो मैंने बोला वो डालिए, कुमकुम चढ़ाइए, थोड़ा सा फूल चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, ठीक है, हाथ जोड़िए, फिर वो दिए को जाके आप दरवाजे के बाहर आप उसको रख देना, जहाँ पे ज़्यादा किसी की नज़र नहीं जाए, कोई आजू बाजू में रहता है तो ठीक है, उसको बाहर रख के आइए, बाहर आप उनकी प्रार्थना कीजिए कि हे यम जी, हम घर के बाहर ही आप हमेशा रहना, और हमारे घर वालों की चारों दिशाओं में जो 4 हम बाती जला रहे, चारों दिशाओं में आपका हमेशा आशीर्वाद देना, और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। अकाल मृत्यु जो होती है इसके लिए हमें बोलना कि किसी की अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए हम भी हमारे घर के सारे सदस्यों के ऊपर। वैसे वो प्रार्थना करते हुए, नमन करते हुए वो दीपक आपको बाहर ही रख देना, ठीक है। उसके बाद थोड़े वो जब दीपक जला के फिर आपको सीधा अंदर आना, वो दीपक लेके कभी भी अंदर नहीं जाना, ठीक है। दीपक जलते रहना चाहिए, चाहे तो पूरा ही आप उसको भर के रखो कि वो रात भर जलता रहे, ठीक है। हो सके तो रात को जलाइए, 6 से 8 में जलाना, अगर लगता है आजू बाजू में कोई नहीं है तो आप जला दीजिए, लेकिन लगता कोई ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं तो फिर रात को ही जलाए तो बेटर है, 9-10 बजे थोड़ा लेट ही जलाओ, ठीक है। वो जलाने के बाद आपको नेक्स्ट डे जब आप सुबह में लोगे तो उसमें जो हमने रखा है कोड़ी है, 1 रुपये का सिक्का भी रखना है, शक्कर वो तो सब खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे पे वो दीपक आपको थैली में बांध के सीधा पीपल के पेड़ के पास या कहीं पे आपको रख के आना है, ठीक है। उसको घर के अंदर नहीं लाना है आपको, जस्ट कीप इट देयर, डस्टबिन में भी मत डालो, वो पूजा के लायक होता है तो डस्टबिन में नहीं डालना, जाइए पीपल के पेड़ के पास आप उसको हाथ जोड़ के रख के और चुपचाप वापस आ जाए, ठीक है। तो ये हो गए, मैंने आपको बता दिया धन्वंतरी देव की पूजा करनी, कुबेर देव की पूजा करनी, एंड यम के दीपक की आपको पूजन करना। आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर, मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में बता दिया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आप लोग, ठीक है।
एंड जितना हो सके महालक्ष्मी जी का मंत्र चांट कीजिए, उनके मंत्र लगाइए, म्यूजिक टीवी पे लगाइए, मोबाइल पे लगाइए, धनवंतरी के लगाइए, कुबेर लक्ष्मी मंत्र, तो वो पूरे दिन आज के दिन घर का वातावरण बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए। बाहर का जो द्वार है उसको भी आप रोशनी से, बाउल रखिए, कमल का फूल रखिए, फ्लावर्स रखिए, दिया जलाइए। जितना हो सके मेन एंट्रेंस को आप बहुत अच्छा बना सकते हो, उतना ही आप उसको अच्छा बनाए, पूरा रोशनी भर रखिए रात भर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया, मैं और भी टिप्स शेयर करूंगी आपको, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई वीडियो हीलिंग वर्ल्ड 80। थैंक यू फॉर नाउ एंड विश यू ऑल हैप्पी धनतेरस। माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी, आपके घर, सभी के घर धन की वर्षा करते रहे। धनवंतरी देव आप सभी को आशीर्वाद दे, सभी को हेल्थ से हेल्थ अच्छी रखे, और यम भगवान सभी को आपके घर वालों को आशीर्वाद दे, ठीक है। नमस्कार सभी।